एक बहुत ही सिंपल माइल्ड फ्लेवर वाला एक छोला बनाएंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे एकदम चटपटा स्ट्रीट स्टाइट फ्लेवर दे के घूगनी जिसको बोलते हैं कोई बहुत लोग या फिर घूगनी चाट बोल सकते हैं आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है क्योंकि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत चटपटा चीज़ बन जाता है तो बहुत लोग आलू वाला चाट नहीं खा पाते हैं हेल्थ का इश्यूज़ रहे चाहे प्रेफरेंस रहे तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको ये बहुत अच्छा लगेगा तीखा चटपटा गुगनी चाट नमस्कार मैं हूँ शुभंकरी और आप सबका स्वागत है मेरा चैनल सुस्ट फूड कॉर्नर पर उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा बेल बटन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा और मेरे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तो पहले मैं यहाँ पे क्या की हूँ जो मटर रहता है ना उसको रात भर भिगो ली थी टू तो फिफ्टी ग्राम्स के आसपास है अब इसको हम बॉयल करेंगे ऐसे करेंगे बॉयल कि ज़्यादा नहीं बॉयल करना है और ये नहीं कि कड़ा रह जाए तो मैं प्रेशर कुकर में बॉईल करूंगी और पानी इसमें मैं उतना दूंगी जितना कि जस्ट छोला के आधा इंच ऊपर पानी आए ज़्यादा पानी डालने पे मटर के गलने के बाद जो कंसिस्टेंसी बनता है ना उससे बहुत फर्क पड़ता है तो बस थोड़ा पानी का मात्रा यहाँ पे ध्यान रखें और रात भर हम लोग शो किए ही हैं तो ये आराम से गल जाएगा हल्दी पाउडर डाल दूँगी आधी छोटी चम्मच और इसमें नमक डाल दूंगी एक छोटा चम्मच और ढक्कन लगा दूँगी दो सीटी हाई में और एक सीटी धीमा पर ले हम इसको छोड़ देंगे और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम देख लेते हैं लहसुन में ली हूँ 12 से 15 अदरक में ली हूँ एक इंच का और हरा मिर्च में दो ले ली हूँ इसको हमको अच्छे से कूटना है पेस्ट नहीं बनाना है और एक बड़ा टमाटर ली हूँ उसको बारीक काट दी हूँ एक मीडियम साइज़ का प्याज ली हूँ उसको बारीक काट ली हूँ और साथ आठ करी पत्ता ली हूँ इससे या इसमें जो घुगनी होता है उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो ये आप ज़रूर लें इसके साथ कुछ सूखे मसाले ले हूँ तेज पत्ता ले ली हूँ दो हल्दी पाउडर मैं यहाँ पे ली हूँ एक छोटी चम्मच थोड़ा सा हल्दी हम मटर से जाने में भी डाले थे और उसके अलावा मैं गरम मसाला ले ली हूँ आधी छोटी चम्मच और जीरा ले ली हूँ आधी छोटी चम्मच और धनिया पाउडर ले ली हूँ आधे छोटे चम्मच और लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं लाल मिर्च इतना बन गया गुगनी के लिए अब चाट बनाने के लिए हमको चाहिए इमली चाहिए का गुद्दा में पानी डाल के पल्प जो बनाते हैं वो दो बड़े चम्मच चाहिए और उसके अलावा कुछ भुने हुए मूँगफली है और कुछ कॉर्नफ्लेक्स का जो मिक्सचर आता है ना वो थोड़ा सा और सेव आपके ऊपर डिपेंड करता है पर बेसिकली ये सब कॉमन चीज़ें हैं कुछ बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और थोड़े से प्याज धनिया मेरे पास था नहीं पर आप धनिया हो तो ज़रूर डालें दो बड़े चम्मच जीरा को के साथ चार सूखी लाल मिर्च को मैं हल्के से भून ली हूँ उसको दरदरा कूट ली हूँ उसका पाउडर और चाट मसाला ऑप्शन है वो तो बस इतना ही चाहिए तो पहले हमने जैसे बोला लहसुन मिर्चा और अदरक को हम कूच लेंगे ये जो कूटेंगे ना इसका फ्लेवर जो गुगनी बनाएंगे और जो अगर हम पेस्ट डालेंगे उसका फ़्लेवर दोनों में बहुत फ़र्क है तो आप इसको अगर कूट सके तो वो ज़्यादा अच्छा है देखिए दरदराही कूटना है एकदम नहीं बारीक नहीं हम स्ट्रीट स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सब चीज़ रॉ फॉर्म में है तो ये मेरा कूचा हुआ रेडी हो गया और तब तक देखिए दो हाय में एक धीमा में मैं सीटी दी थी और गैस जाने के लिए छोड़ दी थी और बहुत अच्छे से जो ये जो छोला है मेरा पका है अभी तक पूरा खड़ा है पर देखिए हल्का दबाने से ये टूट जाता है ज़्यादा बिल्कुल नहीं गलाना है पेस्ट नहीं करना है इस तरह से करना है तो चलिए इस मज़ेदार गुगनी को बनाना शुरू करते हैं मैं पहले यहाँ पे कढ़ाई गरम की हूँ मीडियम आंच पे कढ़ाई गरम हो जाएगा तो उसमें सरसों का तेल डालूंगी इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मैं यहाँ पे दो बड़े चम्मच डाली हूँ गरम होने तक का वेट करें अब जब गरम हो जाए उसमें पहले मैं करी लीव्स डालूंगी करी लीव्स थोड़ा सा चटक जाए उसमें मैं पहले कटा हुआ प्याज डालूंगी जो करी लीव्स का हम यहाँ पर तड़का लगाए ना इसका जो फ्लेवर है वो बहुत यूनिक आता है आप ट्राई कीजिएगा आपको निश्चिंत अच्छा लगेगा तो बस प्याज भुनने तक का वेट करेंगे एकदम ब्राउन नहीं करना है बस हल्का सा डन मतलब सेमी डन करना है और उसके बाद जो कुटा हुआ अदरक लहसुन और मिर्चा था उसको डाल के अच्छे से भून लेंगे तो फ्लेम यहाँ पे मीडियम पे ही रखें और इसको भून लेंगे तीन से चार मिनट तक जब भूना जाए उसके बाद हम सूखे मसाले डालेंगे तो पहले मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला उसके बाद लाल मिर्च पाउडर फिर ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ये सबको डाल के अच्छे से मिला लेंगे और बहुत भीनी भीनी खुशबू आएगा अगर आपको इस स्टेज पे लगे कि हल्का सा मसाला में लग रहा है तो फ्लेम स्लो कर दीजिएगा बस एक दो मिनट ही भूनना है उसके बाद हम मॉइस्चर के लिए इसमें टमाटर डाल देंगे टमाटर डाल के फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा और अच्छे से मिला लेंगे अब इस स्टेज में थोड़ा सा पानी डाल के मतलब दो तीन चम्मच पानी डाल के मिला लेंगे और टमाटर को ढक के छोड़ देंगे एकदम लो फ्लेम पे चार से पाँच मिनट तक ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाए और जो हम मसाला भुने थे ना वो सब चीज़ आपस में मिलके एकदम अच्छे से रोस्ट हो जाएगा देखिएगा तीन से चार मिनट बाद कितना अच्छे से टमाटर मेरे सॉफ़्ट हो गए हैं मैंने बीच में एक बार चला लिया था और देखिए टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं और उसका जो तेल है ना मैं आपको दिखाती हूँ सेपरेट आ गया है हमने बहुत कम टाइम में इसको भूना है क्योंकि हम मसाला कूचे थे तो बहुत कम टाइम लेगा भूनने में और मसाला मेरा रेडी लग रहा है देखिए पूरा रोस्टेड हो गया इसका जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छा आता है तो अब जो उबला हुआ छोला था हम इसमें डाल देंगे अच्छे से मिला लेंगे और मैं एक्चुअली स्टेज पे ना एक मीडियम साइज़ का आलू उबालती थी, थी तो मैं उसको भी ऐड कर दूँगी आप चाहें तो उस आलू वाला पार्ट को स्किप कर सकते हैं अपना अपना प्रेफरेंस है तो बस एक आलू मीडियम साइज़ का मैं उसको उबाली थी छोटे छोड़ छोटे काट के डाल दी हूँ अब उसमें पानी दे दी हूँ बस एक कप और दी हूँ ज़्यादा पानी नहीं देना है देख के ढक देंगे मीडियम फ्लेम में कम से कम आठ से दस मिनट और आठ दस मिनट बाद क्या होगा ना सब चीज़ अच्छे से मिल जाएगा देखिए और जो हम तेल डाले थे वो हल्के से ऊपर आ जाएगा एक बहुत ही गाढ़ा कंसिस्टेंसी का घूगनी तैयार हो जाएगा तो ये जो घुगनी या छोला आप जो भी ले इसका कंसिस्टेंसी धीरे धीरे और गाढ़ा होगा अब इसको कंप्लीट करने के लिए आप देख पा रहे होंगे मैं इसमें दिखा भी रही हूँ ये जैसे जैसे पक रहा है वैसे वैसे गाढ़ा होगा इसलिए हमने छोला उतना ही किया था कि इसमें और पक पाए अब फिनिश करने के लिए मैं इसमें गर्म मसाला डाल दूँगी आधे छोटी चम्मच और मिला लूँगी ये डिश यहाँ तक अपने में कम्प्लीट अलग डिश है आप इसको रोटी के साथ पराठा के साथ पूड़ी के साथ ऐसे ही खा सकते हैं और अगर इस डिश को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए कुछ स्नैक्स के रूप में जिसको हम लोग गुगनी चाट बोलते हैं तो वो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ एक बाउल में बस गुगनी वाला पाट लें और जो मैं आलू उसमें डाली थी ना आप चाहें तो इस स्टेज में उसको हल्का सा मैश करके उसको मिला लें थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा और जो इमली वाला मैं बताई थी पल्प थोड़ा सा इमली पल्प इमली में पानी डाल के उसको अच्छे से निचोड़ के उसका पल्प एक दो चम्मच फिर कटा हुआ प्याज हरा मिर्च तो नॉर्मल चाट हम लोग जैसे खाते हैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स वाला मिक्सचर और थोड़ा सा सेव आपके पास हो भुजिया सेव नॉर्मल सेव और ऊपर फिनिश करने के लिए थोड़े से रोस्टेड पीनट्स बादाम भुना हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा सॉल्टेड हो तो और भी अच्छा और जो हम बनाए थे ना जीरा और मिर्चा का पाउडर थोड़ा वो छिड़क देंगे हल्का सा काला नमक और चाट मसाला और अगर हरा धनिया हो तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल दीजिएगा और बहुत इजीली आप एक मेन कोर्स डिश को एक स्नैक्स के रूप में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एकदम चटपटा लगता है और आप लोग बहुत नोटिस किए होंगे ना स्ट्रीट साइड रोड वेंडर्स में बड़ा बड़ा हांडी टाइप में बेचते हैं तो वो ये डिश रहता है और जो मेन गुगनी वाला डिश है इसको आप रोटी पराठा पूरी के साथ एंजॉय कर सकते हैं तो है ना मज़ेदार चीज़ एक चीज़ से हम दो चीज़ बना और लिए और सबके लिए आसान पड़ता है बहुत टेस्टी और टैंगी भी रहता है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये डिश और मुझे फीडबैक दीजिएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पक्का शेयर कीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक स्टे सेफ लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग